नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कैरल वेक के द्वारा लिखी बुक माइंडसेट की समरी लेकर आए हैं। कैरल वेक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एंड राइटर हैं। इनकी बेस्ट सेलिंग बुक माइंडसेट की मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माइंडसेट बुक समरी। फर्स्ट, फिक्स माइंडसेट। कुछ लोग यही सोचते रहते हैं कि सक्सेस तो सिर्फ टैलेंट वाले लोगों को ही मिलती है। यह सोचकर वे लाइफ में कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते। इसे ही फिक्स्ड माइंडसेट बोला जाता है। वे सोचते हैं कि उनमें नई चीज को सीखने का टैलेंट ही नहीं है। अगर वे कोशिश करेंगे तो हमेशा फेल ही होंगे। अगर वे कोशिश करते भी हैं और फेल हो जाते हैं और बहुत इंसल्टेड फील करते हैं और दोबारा उस काम को हाथ न लगाने की कसम खा लेते हैं। ऐसे लोग जिंदगी भर एक ही जॉब करते रहते हैं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा दूसरों की चिंता करते रहते हैं। वे हर काम यही सोचकर करते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। वे सोचते हैं कि दूसरे लोग उनकी किसी काम का मजाक न बनाएं और हमेशा उनकी तारीफ करते रहें। इसलिए वे सारे काम अपने लिए न करके दूसरों को ध्यान में रखकर करते रहते हैं। उनका मकसद दूसरों को खुश रखना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे लोग आपके अच्छे काम में भी कुछ बुराई ढूंढ ही लेते हैं। इसलिए फिक्स माइंडसेट वाले लोग कभी सच्ची खुशी हासिल नहीं कर पाते और जिंदगी भर घुटते रहते हैं। सेकंड, ग्रोथ माइंडसेट। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी नई स्किल सीखी जा सकती है। उसमें हार्डवर्क और टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एक दिन में उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। उनमें बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी होती है। वे हमेशा नई नई चीजें सीखते रहते हैं। उन्हें फेल होने से कोई डर नहीं होता। वे बार बार फेल होकर फिर से ट्राई करते रहते हैं। जैसे साइकिल वही सीखते हैं जो बार बार गिरकर भी ट्राई करते रहते हैं और लास्ट में वह उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग किसी की निंदा या मजाक नहीं करते, बल्कि वे बोल्ड और फियरलेस होते हैं। वे खुद को घटिया मेंटेलिटी वाले लोगों से दूर रखते हैं और अपने से ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ पोलाइट रहते हैं। इससे वे उनसे और ज्यादा सीख पाते हैं। वे दूसरों की तरक्की से जलते नहीं हैं, बल्कि इंस्पिरेशन लेकर खुद भी आगे बढ़ते रहते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं और इससे उनकी और ज्यादा ग्रोथ हो जाती है। दोस्तों, आप इस बुक की ऑडियो बुक समरी कुकू FM ऐप पे भी सुन सकते हो, जहाँ पर आपको 10,000 से भी ज्यादा बुक समरीज मिलती हैं। ये बुक्स आप हिंदी के अलावा अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हो। कुकू FM में आपको वर्ल्ड की बेस्ट बुक समरीज मिलती हैं, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी और आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगी। आप इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा भी डाउनलोड कर सकते हैं। एनुअल सब्सक्रिप्शन 399 रुपए में अवेलेबल है, पर क्योंकि आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर्स गाइड से इस ऐप को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हम आपको 50% ऑफ यानी कि 199 रुपए में दिलाने में हेल्प करेंगे। आप 50% ऑफ पाने के लिए हमारा कूपन कोड DVOBF3577 जरूर यूज करें। 3. एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। ऑथर ने फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट समझने के लिए दो लोगों का एग्जाम्पल दिया है। ली लकोका पहले क्राइसलर मोटर के CEO थे। उन्होंने इस कंपनी को तब ज्वाइन किया था जब यह बैंक्रप्ट की कगार पर थी। उन्होंने अपने वाइज डिसीजन से कंपनी को फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन उसके बाद उनमें ईगो आ गई और वे फिक्स माइंडसेट के हो गए। उन्हें लगा कि अब तो कंपनी अपने आप ही चलती रहेगी। वे खुद को सुपीरियर मानने लगे और दूसरे एम्प्लॉयज को इन्फीरियर। वे किसी का भी सजेशन नहीं सुनते थे। उन्हें लगता था उनके सारे डिसीजन सही होते हैं। एट लास्ट धीरे धीरे कंपनी की ग्रोथ रुक गई और उन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। दूसरा एग्जाम्पल लूक रसनर का है, जो IBM के CEO थे। उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया था। उन्होंने देखा कि कंपनी में सब अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम कर रहे थे। उन्होंने टीम वर्क को बढ़ावा दिया, ऐसे एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जो कोवर्कर की हेल्प करते थे। साथ ही वे खुद भी एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह काम करते थे। उन्होंने सब एम्प्लॉयज को कंपनी की ग्रोथ के लिए काम करने के लिए मोटिवेट किया और समझाया कि कंपनी की ग्रोथ से ही वे सब भी ग्रो करेंगे और उनकी जॉब्स बच पाएंगी। और आप जानते ही हैं, IBM आज भी लीडिंग कंपनी में से एक है।
4. इम्पैक्ट ऑफ पेरेंट्स ऑन माइंडसेट. माता पिता के बर्ताव का बच्चों के माइंड पर गहरा प्रभाव पड़ता है. अगर कोई माता पिता बच्चे को हमेशा छोटी छोटी गलतियों के लिए डांटते रहते हैं तो ऐसे बच्चे बड़े होकर फिक्स माइंडसेट के हो जाते हैं. उन्हें लगता है कि वे लाइफ में कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते. उनमें हीन भावना भर जाती है. वहीं दूसरी ओर जो माता पिता बच्चों को अक्सर अप्रिशिएट करते हैं, उन्हें इंस्पायर करते हैं, गलती होने पर लॉजिकली उन्हें समझाते हैं, ऐसे बच्चे लाइफ में बहुत आगे जाते हैं क्योंकि उनके अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित होती है. इसलिए माता पिता को अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए. 5. इम्पैक्ट ऑफ टीचर्स ऑन माइंडसेट्स. स्कूल के टीचर भी हमारे माइंडसेट को प्रभावित करते हैं. कुछ टीचर फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं. वे सोचते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वे लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे और कुछ बच्चे डफर हैं, वे लाइफ में कुछ नहीं करेंगे. इसलिए वे हमेशा इंटेलिजेंट बच्चों पर ही ध्यान देते हैं और स्लो लर्नर्स की कोई एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करते. वे यह भी नहीं देखते कि ऐसे बच्चों के मार्क्स कम क्यों हैं, उनके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजी लगाई जाए कि उनके मार्क्स भी अच्छे हो सकें. ऐसे बच्चों का माइंडसेट हमेशा के लिए फिक्स टाइप का हो जाता है. वे सोच लेते हैं कि उन्होंने स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, इसलिए शायद वे कभी लाइफ में बड़ा नहीं कर पाएंगे. इसके उल्टा कुछ टीचर्स ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं. वे स्लो लर्नर्स को एक्स्ट्रा क्लास देते हैं. फेल होने पर भी वे उन्हें इंस्पायर करते रहते हैं. ऐसे बच्चे कम मार्क्स होने पर भी लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं. इसलिए टीचर्स को अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए. 6. एनीवन कैन बिल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट. हर कोई अपने बिहेवियर को चेंज करके अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकता है. अगर आप ऐसे माता पिता हैं जो बच्चे को हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हो तो खुद को बदलें. क्रिटिसिज्म की जगह उन्हें मोटिवेट करें. अच्छा काम करने के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दें और अप्रिशिएट करें और गलती होने पर उन्हें लॉजिकली समझाएं. अगर आप ऐसे टीचर हैं जो स्लो लर्नर का मजाक उड़ाते हैं या उनकी कोई हेल्प नहीं करते तो खुद को बदलें. मजाक उड़ाने की जगह आप उन्हें कॉन्सेप्ट्स को फिर से समझाएं या समझाने के लिए आसान तरीका ढूंढें. अपने अंदर पेशेंस लाएं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहें. अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे स्कूल और घर में क्रिटिसाइज किया जाता रहता है तो भी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट रखें, एक गोल बनाएं और खामोशी से उसकी तरफ बढ़ते रहें. नेगेटिव लोगों की बातों को मन में न रखें. जैसे जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, ऐसे में हाथी क्या करता है? कुछ नहीं, वह अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहता है. वह चाहे तो कुत्ते को कुचल भी सकता है लेकिन नहीं, वह नेगेटिव लोगों से नहीं उलझता. ऐसा करने से उसके अंदर मेंटल पीस बनी रहती है और रात को नींद भी अच्छी आती है. आप खुद से कहें कि क्रिटिसिज्म में बोली गई बातें सही नहीं है, मैं क्रिटिक्स को माफ करता हूँ क्योंकि वे मेरे यूनिक टैलेंट्स को जानते ही नहीं है. मैं लाइफ में धीरे धीरे नई स्किल सीखूंगा और एक दिन सबको सफल होकर सिखा दूंगा. अक्सर ये कहा जाता है सक्सेस सबसे अच्छा रिवेंज है. 7. ब्रेकिंग द फिक्स माइंडसेट. फिक्स माइंडसेट बुरी आदतों की तरह होता है. बहुत बार हम एफर्ट ही नहीं करना चाहते. हम यह मान लेते हैं कि यह बहुत डिफिकल्ट है लेकिन इसका सरल तरीका यह है कि किसी भी कठिन काम को टुकड़ों में बांट लिया जाए. जैसे एक 15 मिनट का वीडियो बनाना हो तो एक साथ ना बनाएं, 5-5 मिनट के 3 वीडियोस बनाएं और बाद में उनको जोड़ दें. इससे आप कॉन्फिडेंटली छोटे छोटे वीडियोस बना पाएंगे और एट लास्ट एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगा. इस तरह आपको यह काम बोझ भी नहीं लगेगा और आप बहुत एफिशिएंटली इसे कर पाएंगे. शुरू में यह टफ लगेगा लेकिन हर दिन ऐसा करते रहने से आपको आदत पड़ने लगेगी और आपका फिक्स माइंडसेट बदलकर ग्रोथ माइंडसेट हो जाएगा. 8. एनीवन कैन चेंज. ऑथर कहती हैं कि कई बार सक्सेस के लिए दूसरे फैक्टर्स भी जिम्मेदार होते हैं. जैसे अगर कोई किसी रिच फैमिली में पैदा हुआ है तो उसके सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद गरीब घर में पैदा होने वाले व्यक्ति भी आगे चलकर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं. पर शर्त यह है कि वे ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं.
कभी यह न सोचे कि आपके स्कूल और कॉलेज में ग्रेड्स कम थे इसलिए लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि लाइफ में स्कूल के सब्जेक्ट्स काम ही नहीं आते। जैसे क्या आपने कभी अलजेब्रा डेली लाइफ में यूज किया है या संस्कृत के श्लोक यूज किए हैं, तो स्कूल के मार्क्स का सक्सेस में इतना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। बहुत से स्टार्टअप फाउंडर इसके एग्जाम्पल हैं। सिर्फ चाय बनाकर आजकल युवक अपनी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही 22 साल के एक स्टूडेंट ने चाय के स्टार्टअप शुरू किया और मिलियन डॉलर की कंपनी बनाई। वीडियो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन में भी दी गई है। किल्ली और बिस्लेरी जैसी कंपनीज सिर्फ पानी बेचती हैं, जो कोई रॉकेट साइंस वाला प्रोडक्ट भी नहीं है। इस तरह पास्ट की परफॉर्मेंस को अपने रास्ते का रोड़ा न बनने दें। हमेशा ग्रोथ की सोचें। हमेशा याद रखें, किसी भी उम्र में कुछ भी नया सीखा जा सकता है। 9th, ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। बिजनेस शुरू करते वक्त आपको लोगों को लीड करना पड़ता है। अच्छा बॉस वो होता है जिसमें कोई ईगो नहीं होता। वह हमेशा नया सीखने को तैयार होता है। वह ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। ऐसा बॉस कभी ऐसे नहीं दिखाता कि वह सब कुछ जानता है, बल्कि अपने एम्प्लॉयज से हेल्प लेने को हमेशा तैयार रहता है। वह टीम के सामने फेल होने से भी नहीं डरता, बल्कि एग्जाम्पल सेट करता है कि कैसे फेल होने के बाद भी आगे बढ़ा जा सकता है। साथ ही टीम के फेल होने पर वह उन्हें कोसता नहीं है, बल्कि उनकी मिस्टेक्स को सुधारने में हेल्प करता है। इसके विपरीत फिक्स माइंडसेट वाला बॉस सोचता है कि वह सबसे ऊपर है, उसकी कोई निंदा न करे, सब उसके ऑर्डर्स को आंख बंद कर मानते रहें। वह किसी के सजेशंस भी नहीं लेता। इससे टीम मेंबर्स उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं करते और दिल से कंपनी के लिए काम भी नहीं करते। वे पहला मौका मिलते ही उस कंपनी को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में उस कंपनी का बिजनेस फेल हो जाता है। 10th, अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। कई बार लाइफ में रिलेशनशिप्स भी फेल हो जाती हैं। फिक्स माइंडसेट वाले ऐसे में दुखी हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया ही खत्म हो गई और डिप्रेशन में चले जाते हैं। कई बार तो वे बदला लेने की कोशिश भी करते हैं, कुछ तो क्राइम तक कर डालते हैं, लेकिन इसका नतीजा उनके लिए बहुत बुरा होता है। क्राइम के लिए उन्हें जेल जाना पड़ता है और सारी जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए हमेशा लव में ही ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। क्या संसार में एक ही व्यक्ति होता है? हर कोई दूसरा पार्टनर तलाश कर सकता है और हो सकता है कि दूसरा पार्टनर पहले वाले से बेहतर हो। इस तरह हमें हर डिफिकल्ट सिचुएशन में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे लाइफ में हमेशा सफलता मिलती रहेगी और हमारी ग्रोथ भी होती रहेगी। तो दोस्तों, माइंडसेट बुक समरी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप कौन सी बुक समरी सुनना चाहते हैं वो भी सजेस्ट करें। इस बुक को डिटेल में ज़रूर पढ़ें, जिससे आपको वो नॉलेज मिलेगी जो हम समरी में नहीं बता पाए। इस बुक को आप घर बैठे Amazon से भी मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन के लिए कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।